साइफर ढूंढ लिया है कि डोनाल्ड ल्यू की बातें पाकिस्तान को क्यों बता दी। डोनाल्ड ल्यू को हम बचाने के लिए इस वक्त खान साहब, हमारा इतना बड़ा लीडर जेल में 1.5 महीने से इसलिए बैठा हुआ है, इतना बड़ा आदमी, क्योंकि डोनाल्ड ल्यू की बात खान साहब ने अपने लोगों को बता दी। अच्छा, एक खान साहब का जुर्म क्या है कि वो जेल में बैठे हैं? हमें तो कोई नहीं लग रहा उनका इतना बड़ा जुर्म। जो जुर्म ये है वो ये कह रहे हैं कि आपने एक सीक्रेट थी जो आपने अपने लोगों को बता दी। खान साहब ने सोचा था कि मैं ऐसी बात है, इतनी बड़ी बात है, इस ये बात मुझे अपने लोगों का बतानी चाहिए क्योंकि उनका हक है। अब हम ये केस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ल्यू को हमने बचाना है। माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल है, आप समझती हैं कि इमरान खान इस तरह से माफीनामा लिख सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इमरान खान ने वो लिखा होगा? इमरान रियाज के हवाले से आप अगर व्लॉगर्स हैं आप भी फेक न्यूज पढ़ के इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, इमरान रियाज खान के हवाले से पता चलता है? इमरान रियाज खान के हवाले से उनको 4 माह बाद रिहाई हुई है। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ थी, हमारा दिल उनके लिए, हमें तकलीफ होती थी उनका सोच के। उस वो कौन सी सियासत कर रहे थे? वो बेचारा एक सच बता रहा था इमरान रियाज, और हम सारे तो उसको पहले से ही बहुत बड़े फ़ैन हैं। और क्यों हम फ़ैन हैं? क्योंकि वो सच बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि इमरान खान नियाजी और इमरान रियाज खान को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है?